हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो सेट डेटा टाइप को लेकर के खास है। तो सेट डेटा टाइप में क्या खास है, आइए समझते हैं। यहां पर एक लिस्ट में बनाता हूं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर बुक्स की लिस्ट बनाता हूं, तो यहां लिखा बुक्स। अब ये बुक्स नाम से मैं सेट बना रहा हूं, एक सेट बना रहा हूं, लिस्ट नहीं बल्कि सेट बना रहा हूं। और यहां पर सिंगल कोटेड कॉमा से सेपरेट करते हुए बुक्स का नाम लिखूंगा। जैसे यहां पर लिखा मैंने सी लैंग्वेज, ठीक है, तो ये पहली बुक का नाम लिख दिया सी लैंग्वेज। अच्छा, ये सिंगल कोटेड कॉमा के अंदर सेपरेटेड रहेगा, ये देखिए यहां से सेपरेट कर लेंगे हम कॉमा देकर के। दूसरा यहां पे लिखूंगा पाइथन, ठीक है। तीसरा लिखूंगा जावा। तो यहां पे देख सकते हैं ये मैं लिख रहा हूं, जो ये जो है ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। कैसी लिस्ट होती है? ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब समझते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये एक तो पहले तो ये इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल यानी कि आप इसमें कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। आप देखिए यहां पर इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा, ये सारे नाम प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने लिया था बुक्स, तो बुक्स को प्रिंट करवा दूंगा, तो ये बुक्स को प्रिंट करवा रहा हूं। और यहां से इसको रन करवाएंगे, तो ये देखिए रन करवाते ही क्या हुआ, यहां पर सारी चीजें प्रिंट होकर आ रही है, सी लैंग्वेज, पाइथन, जावा, ठीक है ना। अब इसमें कॉन्कैटिनेशन क्या पॉसिबल है, तो कुछ नाम यहां पर हमने यहां लिख दिए हैं। अब यहां पर आता हूं, ठीक है, अब यहां पर लिखूंगा बुक्स वन, ठीक है, यहाँ पे बुक्स वन नाम दे दिया। अब यहाँ पे इक्वल टू लगाया और यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे अब अलग बुक, जैसे मान लीजिए एक्सेल की बुक है तो ये एक्सेल लिख दिया हमने, कॉमा देंगे। दूसरी बुक किसकी है तो यहाँ पे दूसरे बुक की नाम लिख देंगे, लाइक यहाँ पे डीबीएमएस करते हैं, डीबीएमएस। तो यहाँ पे देखिए डीबीएमएस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बुक्स को केवल प्रिंट कराऊं तो गड़बड़ है, बुक्स तो सिर्फ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, मतलब बुक्स प्रिंट हो जाएगा लेकिन बुक्स के साथ साथ हम कॉन्कैटिनेशन चाहते हैं, कॉमा लगा देते हैं तो क्या होगा वो भी चेक कर लिया जाए। तो यहां से कॉमा लगा करके दोनों को प्रिंट करवाते हैं तो आप देखेंगे दोनों ही सेम तरीके से प्रिंट हो जा रहा है। ये देखिए दोनों ही प्रिंट हो गया, यानी कि कॉमा लगा करके आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पर बीच में, यहां पर देख सकते हैं ये जो दिया है, इसमें अगर आप पता करना चाहते हैं कि ये डेटा टाइप कौन सा है तो यहां टाइप लिखने के बाद इस तरीके से आ जाएंगे। और यहां पे मान लीजिए बुक्स वन, इसका हमें डेटा टाइप पता करना है, तो यहां से जाके अब इसको रन करवाइएगा तो डेटा टाइप ये बताएगा। तो यहां पे देख सकते हैं क्लास सेट बता रहा है, ये डिक्ट नहीं बता रहा है, सेट बता रहा है। लेकिन यही की और वैल्यू दोनों होती तो ये क्लास डिक्ट बताता। देखिए यहां पर कैसे, ये देखिए इसको हटा दिया, अब यहां पे की और वैल्यू दोनों की बात होगी, ठीक है ना। तो बुक्स इज इक्वल टू, तो यहां लिखता हूं बुक, ठीक है। तो डबल डॉट कोट्स में बुक लिख देंगे इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, यहां पे बुक ये हो गया। तो देखिए यहां पर बुक नाम दे दिया हमने, और अब क्या करेंगे यहां पर इसको कॉलन लगाएंगे, तो सी लैंग्वेज की एक बुक हो गई, ठीक है, देख सकते हैं। अब देखिए अब यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पे लिखेंगे प्राइस, पी आर आई सी ई, प्राइस, ठीक है। अब बुक की प्राइस आएगी, तो यहां पर प्राइस की बात करेंगे, ये सिंगल कोटेड कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख देंगे पी आर आई सी ई। यहां पर भी सिंगल कोटेड कॉमा रखेंगे क्योंकि पूरे ही डिक्शनरी में मैंने सिंगल कोटेड कॉमा ही दिया है, तो यहां पर सिंगल कोटेड कॉमा ही लगा लेते हैं। तो सिंगल कोटेड कॉमा लगा लिया, अब यहाँ पे प्राइस की बात करेंगे, तो ये आ गए। अब यहाँ पे कॉलन लगा करके इसकी प्राइस दे देते हैं, ठीक है, तो इसकी प्राइस 600 रुपए है, तो ये दे दिया हमने। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इसको चलाता हूं तो देखते हैं क्या आता है इसमें, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आएगा। और यहाँ पे एक चीज और चेंज करना है, यहाँ पे बुक्स कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बुक वन वाली लिस्ट हमने हटा दी, बुक्स वन वाली, तो यहाँ पे बुक कर लेंगे। और यहाँ पे अब इसको चलाएंगे, देखिए इसका क्लास क्या आ रहा है, डिक्ट आ रहा है, पहले इसी का सेट आ रहा था, क्योंकि की और वैल्यू दोनों हो गई तो ये डिक्ट आने लगा, तो ये फर्क है, ठीक है ना। अब देखिएगा जो सेट होता है वो इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल यानी कि उसमें कोई चेंजेस आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ये भी बात याद रखने वाली है, तो याद रखिएगा ये आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काम आएगा।